दोस्तों, अगर बात कर लेते हैं पोको एक्स टू, तो पोको एक्स टू में आज हमें एक और अपडेट देखने को मिली है। ये वही अपडेट देखने को मिलता है जो हमें कुछ दिन पहले भी देखने को मिला था। तो पहले जो अपडेट मिली थी वो फर्स्ट बैच में देखने को मिली थी, लेकिन आज जो अपडेट मिली है सेकंड बैच में देखने को मिली है। तो सेकंड बैच में सेम वर्सन आपको देखने को मिलता है, 12.0.1.0 की अपडेट। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके फ़ोन में अपडेट देखने को नहीं मिला है तो कैसे इसे आप अपने फ़ोन में अपडेट कर सकते हैं, और इस अपडेट के बाद से आपके फ़ोन में कौन कौन सी फीचर्स मिलेगी, इसके बारे में आप लोगों को सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को अभी से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना, और वीडियो में बिल्कुल अंत तक जरूर बने रहना। जाओ अभी के अभी अपने सिस्टम अपडेटर में, और अपडेटर में जाके आप यहाँ पर चेक करेंगे तो आप लोगों को पोको एक्स टू की डिवाइस में मीवा 12 पर लेटेस्ट अपडेट 12.0.1.0 की अपडेट देखने को मिल जा रही है। अगर बात कर लेते हैं पोको एक्स टू की जो ऑफिशियल ग्रुप है, ग्लोबल ऑफिशियल ग्रुप जो देखने को मिलती है, जो टेस्टिंग वाले ग्रुप देखने को मिलते हैं, उसमें आप लोगों को मीवा 12 की अपडेट बहुत से यूजर्स को देखने को मिल गई है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ तो देख सकते हैं आप लोग को, ये अपडेट 6 बजे से रोल आउट होना स्टार्ट हो गया। तो कुछ यूज़र्स को ये 6 बजे अपडेट देखने को मिला, कुछ यूज़र्स को ये अपडेट 8 बजे देखने को मिला, और कुछ यूज़र्स को अभी ये अपडेट देखने को मिला है। तो अगर मैं आप लोगों को ये वाले यूज़र्स को दिखा दूँ तो देख सकते हैं ये वाले यूज़र्स को 9 बजे ये अपडेट देखने को मिला है। यानी दोस्तों, मीवा 12 की अपडेट इससे पहले जब हमें देखने को मिली थी वो फर्स्ट बैच की अपडेट थी, लेकिन आज जो अपडेट देखने को मिली ये सेकंड बैच की अपडेट देखने को मिली। यानी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो मीवा 12 की अपडेट होगी या फिर जो शाओमी की अपडेट होती है वो बैचेस में देखने को मिलती है। तो पहले फर्स्ट बैच में अपडेट मिलेगी, सेकंड बैच में अपडेट मिलेगी, उसके बाद से इस अपडेट को पब्लिक किया जाता है। तो देख सकते हैं कि हमें 2 बैचेस में ये अपडेट देखने को मिल गई है। और अगर दोस्तों बात करें तो फीचर्स की, इस अपडेट में हमें कौन कौन सी फीचर्स देखने को मिलेगी, या जिन लोगों ने ऑलरेडी अपने फ़ोन में मीवा 12 की अपडेट को पहले अपडेट में कर लिया था, यानी फर्स्ट बैच की जब अपडेट मिली थी उस अपडेट में अगर अपडेट कर लिए होंगे या फिर आज की अपडेट में अपडेट कर लिए होंगे, तो उनके डिवाइस में कुछ नए फीचर्स देखने को मिली है, जिसके ऊपर मैं विस्तार से एक वीडियो बनाया हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। तो अगर आप लोग मीवा 12 के बारे में जानना चाहते हैं कि मीवा 12 के अपडेट के बाद से हमारे डिवाइसेज में कौन कौन सी अपडेट देखने को मिली है, कौन कौन सी फीचर्स देखने को मिली है दोस्तों, तो आप लोग मेरी वो वीडियो को जरूर चेकआउट करिएगा। उसमें मैंने आप लोगों को सारी जानकारी दी है कि मीवा 12 के अपडेट के बाद से पोको एक्स टू डिवाइस में कौन कौन से फीचर देखने को मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों बात करें तो अगर आपके फ़ोन में ये अपडेट अभी तक देखने को नहीं मिला, अगर आप लोग सिस्टम अपडेट में जाकर चेक करेंगे, और चेक करने के बाद भी अगर आपके फ़ोन में ये अपडेट देखने को नहीं मिला दोस्तों, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उस लिंक को डाउनलोड करके आप लोग यहाँ से 3 डॉट्स पर क्लिक करके चूज अपडेट पैकेज की मदद से अपने फ़ोन को यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो चूज अपडेट पैकेज की मदद से अपने फ़ोन को कैसे अपडेट करते हैं, उसके ऊपर भी आप लोग को एक डिटेल वीडियो मिल जाएगी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। तो आप लोग उस वीडियो को देख कर भी अपने फ़ोन में अपडेट कर सकते हैं, या फिर आप लोग सिंपली लिंक के थ्रू अपने फ़ोन में चूज अपडेट पैकेज के मेथड से अपडेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने अपने पोको एक्स टू डिवाइस को अपडेट कर लिए होंगे, मीवा 12 के अपडेट में अपडेट कर लिए होंगे। तो अपडेट करने के बाद मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बताना।